या अल्लाह, इतनी देर हो गई लेकिन इस लड़की का कुछ पता नहीं। एक घंटे का कहकर गई थी और अब इशा होने को है, लेकिन ये नूर अभी तक वापस नहीं आई। अल्लाह जाने कहाँ बैठ गई है जाके, और उस पर फोन भी साथ नहीं लेकर गई। अब क्या करूँ, किससे पता करवाऊँ? इस शहर के हालात भी ठीक नहीं हैं। अरे वाह नूर बीबी, तुमने तो कमाल कर दिया। सायका बेगम बता रही थी कि तुमने साथ से गुड मैरिज कर ली, मौके पे चौका लगाया, बहुत अच्छा किया। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रही हो मेरी बेटी के बारे में? वो ऐसा क्यों करने लगी? अम्मा हाजर, बहुत बहुत मुबारक, आपकी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह हो गई। समझे उसे तो अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। कौन सा मकसद? कैसी शादी? और तुम हो कौन? मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। बहुत भोली हैं आप और मासूम, लेकिन आपकी बेटी बहुत अकलमंद और समझदार है। अरे तुम हो कौन जो मेरी बेटी के बारे में इतना जानती हो? अम्मा हाजन, मैं बीबी जान। बीबी जान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फोन करने की? अरे मेरी हिम्मत से आपकी बेटी की किस्मत चमकी और उसने साथ से शादी की। क्या, साथ से शादी? तो तुमने उसे वरगला कर साथ की तरफ धकेला है? मैं भला कौन होती हूँ किसी को वरगलाने वाली या किसी को किसी की तरफ धकेलने वाली। आपकी बेटी तो हमेशा से चाहती थी कि साथ को हासिल करे। तुमने उस पर जादू करके उसके दिमाग में ये बात डाली है ना? हाँ, गलत फहमी है आपकी। मैंने आपकी बेटी को नहीं बुलाया, उसका जुनून यहाँ लेके आया। नहीं नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे पास कैसे जा सकती है? मैं तो सबको तुम्हारे पास जाने से रोकती थी और मेरी बेटी तुम्हारे पास, ये कैसे हो सकता है? इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। सारी जिंदगी पूरी दुनिया को नसीहतें करती रही, बेटी को कुछ नहीं सिखाया। आंटी, आंटी उठे। अम्मा, अम्मा आके कौन लो ना अम्मा, साथ साथ अम्मा को कुछ हो गया है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। साथ जल्दी करो ना, अम्मा, अम्मा उठो ना अम्मा, अम्मा, अम्मा।